नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लूट लो पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे बेस्ट माइनिंग की वेबसाइट जिसके अंदर आपको अच्छा खासा अर्निंग मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो माइनिंग है वो कम से कम एक महीने के अंदर आपका सफिशियंट माइनिंग हो जाएगा और एक महीने बाद अपना जो भी अपना विड्रॉ लेना चाहते हो आप विड्रॉ ले सकते हो, जिसकी पोस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा कि अब आप अपना विड्रॉ ले सकते हो। ठीक है, मैंने बिल्कुल वेरीफाई किया इस चीज़ को और अच्छा खासा इसमें मतलब ये प्रॉफिट हो जाता है। तो आपको जो भी करना है वो सारी चीज़ मैं बता देता हूँ। दोस्तों, माइनिंग की चीज़ है, माइनिंग की वेबसाइट है, माइनिंग की वेबसाइट में टाइम बहुत लगता है, तो इसमें क्या थोड़ा टाइम लगेगा आपको माइनिंग करने में। तो आपको जो भी करना है वो सारी चीज़ मैं इस चीज़ के अंदर बता दूंगा और दो तीन ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसके द्वारा आप माइनिंग की स्पीड भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अगर इस तरह की वीडियो और ज़्यादा देखनी या फिर हमारी वीडियो पसंद आई तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कर लीजिए ऑल, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगी ना उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाएगी और आप उन्हें सबसे पहले लूट पाओगे। दोस्तों, साथ ही साथ एक चीज़ और, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल पर और सिंपल ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पर LU OOTELO, क्योंकि यहाँ पर सारी जो भी छोटी मोटी अपडेट्स वगैरह आती हैं सभी अपडेट मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। आप जो भी यहाँ पर चाहते हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ऊपर यहाँ पर जाइए डिस्क्रिप्शन पे और यहाँ पे हमारा लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखा है अपना पर्सनली, जिस पे आप मुझसे बात कर सकते हो। मुझसे कोई भी हेल्प लेना चाहते हो तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है आपको तो। ठीक है, और दोस्तों जो भी मतलब कि काफ़ी लोग मुझे काफ़ी दिन से सब लोग विड्रॉ के बारे में पूछ रहे हैं, कॉइन्स वेट का क्या हुआ और बाकी ट्रिप का क्या हुआ, होम टोकन क्या हुआ। भाई, होम टोकन का जब भी मतलब ये आएगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये लिस्टेड होगा, उसी समय पे मैं इसका विड्रॉ दे दूंगा। अब दोस्तों बात होती है कॉइन्स वेट की, तो कॉइन्स वेट का क्या प्रॉब्लम है, इसकी जो ये ट्रेड हो चुका है, लिस्टेड भी हो चुका है, ट्रेड भी हो रहा है, लिस्टेड हो चुका है पहले से। ठीक है, अब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम किस जगह पर आ रही है, इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी 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 डाउन चल रही है, जिसके कारण अभी हम इसे सेल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर मतलब सपोज़ 2,200 रुपये मिलने वाले थे, कहाँ पर मतलब $30 मिलने वाले थे अपने कॉइन्स बिट के अंदर, तो उस जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको $2 से $3 तक मिलने वाला है। इतना कम प्राइस गिर चुका है, इतना कम गिर गया है। तो दोस्तों इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ कि थोड़ा वेट करो, मैं इसका मतलब कि कुछ महीनों तक ही इसका मतलब ये ऐसा चलता रहेगा और जब ये आसानी से मतलब फिर से हाई प्राइस पर हो जाएगा तो इसको मैं आपको विड्रॉ वीडियो दे दूंगा। और दोस्तों एक चीज़ और, एक इंपॉर्टेंट बात और है, TWT टोकन जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जो TWT टोकन है उसकी प्राइस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही, घट रही है और बढ़ रही है, तो अच्छी तरीके से बढ़ती तो अच्छी तरीके से जा रही है, मतलब घट रही है वो कुछ परसेंट कुछ पॉइंट्सों में घट रही है। ठीक है, और बढ़ने का तो भाई सवाल ही मत पूछो, क्योंकि अच्छी खासी जो इसकी हाई इनकम होती जा रही है। अब दोस्तों करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ना एक वीडियो की लिंक मिलेगी, एक वेबसाइट की लिंक मिलेगी, उसको सिंपल आप ओपन करोगे बेस्ट माइनिंग के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मतलब नीचे लेट्स गो पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में दोस्तों आपके सामने आएगा रजिस्ट्रेशन एक पेज, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और पासवर्ड डाल के यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। अब दोस्तों हमने जो सक्सेसफुली अपन रजिस्टर कर लिया, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो सिंपल आप मतलब बस ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो और आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से माइनिंग करने वाले हो, किस तरीके से विड्रॉ करने वाले हो और साथ ही साथ अपनी जो माइनिंग की स्पीड है उसको किस तरीके से बढ़ाने वाले हो और रेफर प्रोग्राम जो भी है इसका सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे डॉग कॉइन है, डॉग कॉइन की हम माइनिंग कर सकते हैं, लाइट कॉइन की माइनिंग कर सकते हैं, मोनेरो की माइनिंग कर सकते हैं, बिटकॉइन भी माइनिंग कर सकते हैं और ट्रॉक्स भी माइनिंग कर सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ यहाँ पे हम माइनिंग कर सकते हैं। अब सब चीज़ों में से भाई माइनिंग किस चीज़ कर सकते हैं ये चीज़ बताऊँ तो दोस्तों एक समय पर एट अ टाइम आप ओनली वन चीज़ को ही माइनिंग कर सकते हो। सपोज़ अगर आप चाहते हो कि बिटकॉइन को माइनिंग करना चाहते हो तो बिटकॉइन के लिए यहाँ पे स्टार्ट बटन है, इसको क्लिक कर देना, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही बिटकॉइन माइनिंग शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको नीचे देख सकते हो आप 0-0 रखा है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ माइनिंग, माइनिंग मतलब स्टार्ट कर दी। स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करेंगे, वेट करने के बाद में दोस्तों ये रिफ्रेश हो जाएगा पेज। ठीक है, तो हम दोबारा नीचे जाके देखते हैं कि हमारी जो माइनिंग है वो स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो दोस्तों नीचे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे नीचे मेरी माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है बिटकॉइन की। अगर आप चाहते हो कि मतलब मुझे कोई और माइनिंग स्टार्ट करनी है या फिर TRX की माइनिंग स्टार्ट करनी है या फिर मुझे स्टार्ट करनी है डॉग की माइनिंग स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट का बटन दबा देता हूँ डॉग की माइनिंग पे, तो आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हो कि आपकी डॉग की माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन दूसरी वाली जो माइनिंग थी, दूसरी वाली बिटकॉइन की जो माइनिंग थी वो स्टॉप हो गई है। इसका मतलब तो यही है कि भाई एक समय पे एक ही माइनिंग कर सकते हो, दो माइनिंग आप नहीं कर सकते हो। मतलब कि अगर आप बिटकॉइन करना चाहते हो तो बिटकॉइन कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे डॉग करना चाहते हो डॉग कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो, तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ बिटकॉइन के लिए माइनिंग। ठीक है, तो मैंने बिटकॉइन की माइनिंग स्टार्ट कर दी, अब यहाँ पे हमारा जो भी माइनिंग है होता रहेगा। अब दोस्तों हमें जो पावर है, जो स्पीड है, वो स्पीड हमें कितनी मिली, यहाँ पे आप देख सकते हो 2750 GHz की पावर मतलब इतनी मिली है हमें। ठीक है,
गीगाहर्ट्ज़ पर सेकंड आपको इतनी स्पीड मिली है। अब हम इस स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इधर तिल डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा। तिल डॉट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा बोनस। बोनस पे जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे बोनस के तौर पे कुछ स्पीड मिलेगी जो आपको हर घंटे के हिसाब से मिलेगी। हर घंटे आपको ये बोनस मिलता रहेगा। कैसे मिलेगा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करते हैं और यहाँ पे लिखा ना गेट अ बोनस, जो कि 5 से लेकर 50 गीगाहर्ट्ज़ की पावर आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे गेट अ बोनस करता हूँ और मुझे कितना पावर, मुझे कितनी स्पीड मिली है वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों मुझे जो भी स्पीड थी वो मिल चुकी है। मैं वापस अपने बैग जाके मैं देख लेता हूँ इधर। तो दोस्तों पहले हमारे पास आपने देखा ही था 2750 था, अब 2755 हो चुका है। मतलब कि 5 गीगाहर्ट्ज़ पर सेकंड की स्पीड हमें मिल चुकी है। मतलब कि उसके हिसाब से तो अच्छी खासी ये माइनिंग स्टार्ट हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इससे हम क्या माइनिंग कर सकते हैं, इससे भी क्या माइनिंग होगी। आपको बस कुछ नहीं करना है अगर स्पीड अच्छी खासी चाहिए, स्पीड अच्छी खासी अगर आप ऐसे चाहते हो तो इस तरीके से आप माइनिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 महीने बाद आप इसको खोल के देखोगे, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप इसको खोल के देख लेना। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। देन उसके बाद जब पोस्ट पढ़ के आप इसे खोल के देख लेना, आपकी जो माइनिंग अच्छी खासी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप सिंपल इसे विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ कैसे करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर डेली गेट अ बोनस, मतलब हर 1 घंटे बाद में गेट अ बोनस आप करते हो, हर 1 घंटे बाद आपको बोनस मिलता है, अगर आप बार बार उस पर क्लिक करते हो 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद, तो आपकी अच्छी खासी स्पीड हो जाएगी। और स्पीड होने के बाद में आप मतलब 1-2 दिन तक आप लगातार करते रहो। मेरा सजेशन यही है कि 1-2 दिन तक आप लगातार गेटा बोनस करते रहो, जिसके द्वारा आपको क्या होगा कि गेटा बोनस आप लगातार 1-2 दिन तक आप करोगे तो आपकी स्पीड है वो अच्छी खासी मतलब कि टॉप लेवल पे पहुंच जाएगी और आपकी जो माइनिंग है वो स्पीड की मतलब काफ़ी अच्छी स्पीड में हो जाएगी। अब दोस्तों विड्रॉ की बात आती है, विड्रॉ कैसे करना है। ऊपर थ्री डॉट पर जाना है। थ्री डॉट पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा विड्रॉ, विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करना। और विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऊपर ऊपर आपको यहाँ पे नोटिस वगैरह दिख रहा है कि इनका जो विड्रॉ है, जैसे आप विड्रॉ करते हो तो आपका जो विड्रॉ है वो 10 मिनट से 6 घंटे के अंदर अंदर आता है, ठीक है। जैसा कि आप कॉइन फिट से लोकल बिटकॉइन में मतलब पैसे जो भी अपने बिटकॉइन में ट्रांसफर करते हो तो आपको पता ही है आधा घंटा मिनिमम टाइम लगता है। आधे घंटे के अंदर आपका जो भी ट्रांसफर है वो मतलब जो भी टोकन है वो सारे ट्रांसफर हो जाते हैं आपके लोकल बिटकॉइन वेबसाइट के अंदर। उसी तरीके से इसका भी एक टाइम है कि 10 मिनट तक तो आपके नॉर्मल आ जाते हैं, लेकिन अगर 10 मिनट तक नहीं आते हैं तो 6 घंटे के अंदर अंदर तक आपका आ जाएगा। मैक्सिमम टाइम 6 घंटा है। आपको विड्रॉ कैसे करना, सबसे पहले तो प्लीज़ सेलेक्ट अ पेमेंट सिस्टम। तो हम जिस चीज़ के अंदर माइनिंग कर रहे हैं उस चीज़ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि मेरा बिटकॉइन का माइनिंग हो रहा है, बिटकॉइन की माइनिंग होने के बाद में दोस्तों अपना जो भी है विड्रॉल अमाउंट, यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी अपना विड्रॉल अमाउंट होने वाला है मतलब विड्रॉ करोगे ना तो उस टाइम पर यहाँ पर अपना विड्रॉल अमाउंट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो और दोस्तों यहाँ पे विड्रॉ नंबर, अमाउंट वॉलेट का जो नंबर है, वॉलेट का नंबर आपको क्या देना है, वॉलेट का नंबर आपको दोस्तों कहाँ से लेना है। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने कॉइनबीट वेबसाइट के ऊपर, कॉइनबेस है, ठीक है। कॉइनबेस वेबसाइट के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको दिखता है VTC पे क्लिक करना है, ठीक है। अब दोस्तों ऊपर ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा बिटकॉइन, यहाँ पे सिंपल क्लिक करना और रिसीवर एड्रेस इसका आता है, ठीक है। तो रिसीवर एड्रेस यहाँ पे मतलब सिंपल मैं इस पर क्लिक किया और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक QR कोड का ऑप्शन आ रहा है ऊपर साइड में, QR कोड पे क्लिक करना है। QR कोड पे क्लिक करने के बाद में इसका रिसीवर एड्रेस हमको प्रोवाइड हो जाता है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में सिंपल इसे वेबसाइट को प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एड्रेस प्रोवाइड करा दिया, अपना विड्रॉल अमाउंट जो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पेमेंट सिस्टम हम बिटकॉइन डाल देंगे। पेमेंट सिस्टम बिटकॉइन डालने के बाद में आप नीचे आप देख लेना, यहाँ पे आ रहा होगा विड्रॉ का ऑप्शन, सिंपल विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल कितना है सब चीज़ का यहाँ देख सकते हो, हर चीज़ का मिनिमम विड्रॉल आपको दे रखा है। जैसे हम BTC का करने जा रहे हैं तो BTC का 0.00500 BTC होने वाला है, तो मतलब इतना जो है मिनिमम विड्रॉ वो होने वाला है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो ये जो माइनिंग है आपकी वो कम से कम 21 से 22 दिन के अंदर टोटल माइनिंग है कंप्लीट हो जाएगी। तो 21 से 22 दिन बाद मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसके अंदर आपको सिंपल विड्रॉ करके बताने वाला हूं और साथ ही साथ एक और लूट उसके अंदर बताने वाला हूं जिसकी मैं अभी काफ़ी समय से वेरिफिकेशन कर रहा हूं और वो वेरिफिकेशन हो जाएगी कुछ मतलब 10-15 दिन और टाइम लगेगा। तो आपको साथ ही साथ विड्रॉ का और उसका मतलब कि वो नई वीडियो की लूट आपको दे दूंगा उस नई वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल आप इस तरीके से माइनिंग कर सकते हो। दोस्तों ये मत सोचना कि माइनिंग इतनी छोटी मतलब इतना विड्रॉ इतना कम दे रखा है, मतलब कि 0.005 मिनिमम विड्रॉ तो इतना हम कैसे करेंगे। सिंपल कुछ नहीं करना है, बस माइनिंग के बटन पर स्टार्ट कर देना। और आपको स्पीड नहीं बढ़ानी है, कोई भी स्पीड नहीं बढ़ानी, तो आप अच्छे से 2-3 महीने तक आप नॉर्मली कर लो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो 2 से 3 दिन तक यहाँ पे फुल मतलब कि गेटा बोनस करते रहो हर 1 घंटे बाद में, तो आपकी अच्छी खासी जो है स्पीड बढ़ जाएगी और उससे अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हो।
देन उसके बाद में यहाँ पे रेफर प्रोग्राम, रेफर प्रोग्राम क्या है वो आपको बताए तो यहाँ पे पार्टनर्स पे जाना है। पार्टनर पे जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि आप किसी को रेफर करते हो तो आपको 40 GHz/s मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे जाकर वो डिपॉजिट करता है, वैसे डिपॉजिट करने की यहाँ पे ये बोलेगा, ठीक है। तो लेकिन आपको डिपॉजिट नहीं करना, सिंपल आपको विड्रॉ करना है जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। सिंपल आप तो माइनिंग करके रखो, विड्रॉ मैंने आपको बता दिया विड्रॉ कैसे करना होता है, विड्रॉ आप सिंपल कर भी सकते हो और नहीं तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा 21 से 22 दिन बाद में जिसके द्वारा आप विड्रॉ निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आपको 12% मतलब अगर वो डिपॉजिट करता है, अगर बाई चांस अगर किसी ने डिपॉजिट कर दिया तो उसका 12% आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। और आपकी रेफर लिंक है वो इस जगह पर आपको मिल जाएगी, योर रेफर लिंक यहाँ पे कॉपी करके आप अपना रेफर कर सकते हो और यहाँ पे मतलब कि आपका जो भी पॉइंट वगैरह मिलने वाला सारा पॉइंट इस जगह पे आपको वॉलेट में मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी जो भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होने वाली है मतलब कि जितने भी आपके जुड़े हुए हैं सारे यहाँ पर नीचे से हो जाएंगे। देन आपके पास में यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, आप देख लेते हो मेरे पास अभी कितना BTC हो चुका है। माइनिंग वाले साइड पे हम वापस से जाते हैं, माइनिंग वाले पे जाने के बाद में यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो योर लेवल, योर लेवल मतलब 1%, मतलब सिंपल इसको 34 या फिर 35% तक कर लो आपकी सिंपल अच्छे से मतलब 21 से 22 दिन के अंदर आपकी जो माइनिंग है वो कंप्लीट हो जाया करेगी। और मतलब कि मिनिमम विड्रॉ जो भी होगा ना उसका उसकी लिमिट क्रॉस हो जाएगा आपका सिंपल अगर 34% आप कर लेते हो तो, ठीक है। अब इतना आप करने के बाद में दोस्तों सबसे पहले माइनिंग अपनी चेक कर लेता हूँ, माइनिंग मेरी कितनी हुई है। तो माइनिंग देखो यहाँ पे 0.5 से ये लास्ट में जो 6 आपको दिख रहा है मतलब बहुत कम है माइनिंग, पर होती रहेगी। तो आपका जब भी विड्रॉ होगा इसका मैं विड्रॉ आपको दे दूंगा। तो आज इस वीडियो को लूटो। और दोस्तों 2 से 3 दिन तक आपको मतलब काफ़ी दिन से आप वेट कर रहे हो बहुत की आपको लूट नहीं मिल रही, कोई भी लूट नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं दोस्तों। अब 2 से 3 दिन तक लगातार आपको नई नई लूट लेकर आता रहूँगा, बस आप बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर।